हेलो फ्रेंड, डीके मॉडल क्लासेस में आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है वेग की जो परिभाषा होता है इसे विलास्टी बोलते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को किसी वस्तु के विस्थापन की दर को यह एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को किसी वस्तु के विस्थापन की दर को यह एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपान समय होता है। विस्थापन को किससे? यस से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से प्रदर्शित, वेग को वी से प्रदर्शित करते हैं। ये वी बराबर हो जाएगा यस अपान टी हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? विस्थापन का यस होता है, समय का सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल चाल को स्पीड कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या, परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और इसका चाल के लिए सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी अपान समय होता है। और यह एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक चाल का एसआई मात्र क्या होता है? चाल का एसआई मात्र क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक क्या है? अदिश राशि है। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाए? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी डिफिनेशन क्या, परिभाषा क्या हो जाए? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन के लिए फार्मूला क्या निकलेगा? विस्थापन वेग गुणते समय होता है। विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला निकल, वेग गुणते समय। इसका मात्रक क्या होता है विस्थापन के लिए? मीटर। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है इन गुड़ते। और समय का मात्रक क्या होता है? ऊपर रहेगा सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? वॉल्यूम मीटर बचेगा। और विस्थापन के लिए डिफिनेशन इसका क्या होगा? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बराबर वेग गुड़ते समय होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। तोरण एक्सलरेशन होता है, इसका इंग्लिश में कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि। इसका फार्मूला क्या निकलेगा? ए बराबर वी माइनस यू अपान टी होता है। इसका प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपान समय होता है। इसका ये चार डिफिनेशन थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। और किसी वस्तु, एक बार इसका रिपीट कर देते हैं, त्वरणकन। किसी वस्तु को वेग परिवर्तन दर क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चाल विस्थापन किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु को विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु को विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद।